नमस्कार दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और साथ ही साथ जो है कुछ नॉन टीचिंग जो है पोस्ट भी जो है यहाँ पर है। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पर लेवल 10 यानी कि 57,700 बेसिक सैलरी प्लस जो भी भत्ते वो यहाँ पर दिए होंगे और लगभग मिला के आपकी जो है 72,000 पर मंथ जो है सैलरी यहाँ पर बनने वाली है। ऑल इंडिया आप चाहे कहीं से भी है आप आवेदन कर सकते हैं अगर क्वालिफिकेशन रखते हैं। पीएचडी मैंडेटरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो लेट अस सी की इस वीडियो में डिटेल्ड में हम डिस्कस करने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पे शिक्षा करियर जॉब्स एंड टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड में अकेडमिक लेवल 13 आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 4 वैकेंसी है। एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन में 2 वैकेंसी है। एग्रीकल्चर स्टेटिक्स में 5 वैकेंसी है। एग्रोनॉमी में यहाँ पे 8 वैकेंसी है। एनिमल प्रोडक्शन में 1 वैकेंसी है। बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी में 2 वैकेंसी है। क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में 1 वैकेंसी है। इंग्लिश में 1 वैकेंसी है। एंटोमोलॉजी में यहाँ पे 6 वैकेंसी है। फैमिली एंड रेस्ट मैनेजमेंट में जो है 1 वैकेंसी है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 13 वैकेंसी है। हॉर्टिकल्चर में 4 वैकेंसी है। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज में 2 वैकेंसी है। और ये असिस्टेंट लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी साइंस में 4 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स में 1 वैकेंसी है। प्लांट पैथोलॉजी में 4, प्लांट फिजियोलॉजी में 1, सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 4। साथ ही साथ असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के लिए 2 वैकेंसी है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की भी जो है यहाँ पर वैकेंसी है, पे लेवल 14 यहाँ पर। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन 5, एग्रोनॉमी 3, एनिमल प्रोडक्शन 4, होम साइंस 3, हॉर्टिकल्चर 4, प्लांट प्रोडक्शन 5 एंड साथ ही साथ यहाँ डेप्यूटी रजिस्ट्रार की जो है यहाँ पर वैकेंसी है। तो कहाँ से जो है ये वैकेंसी आई है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो वैकेंसी आई है स्वामी केशवानंदा राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, जो कि स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक यूनिवर्सिटीज है राजस्थान की। यहाँ पे जो है जैसे फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग पोस्ट, ठीक है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये और साथ ही साथ जो है कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट में भी वैकेंसी है जैसे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो है कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट है जिसमें यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे कि लेखा अधिकारी की वैकेंसी है, सहायक कुल सचिव की वैकेंसी है, सहायक अभियंता सिविल, कोच, फार्म मैनेजर, तकनीकी सहायक, प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, लिपिक ग्रेड द्वितीय, आशुलिपिक अंग्रेजी, आशुलिपिक अंग्रेजी, वाहन चालक। तो जो है यहाँ पर टोटल 29 जो है आप यहाँ पे, अच्छा ये जो है दिया हुआ है वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे कैटेगरी वाइज, तो ये भी जो है यहाँ पर वैकेंसी है। अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। जो रिजर्वेशन है वो एज पर राजस्थान गवर्नमेंट के अनुसार यहाँ पे मिलने वाला है। तो अन्य राज्य के कैंडिडेट यहाँ पे एज ए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के रूप में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना है, यहाँ पे 5 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं जो कि 20 मई 2022 तक आवेदन चलने वाले हैं। एप्लीकेंट की जो एज है बिफोर लास्ट डेट जो है वो यहाँ पर एज ऑफ 18 ऑन और बिफोर, कम से कम 18 ईयर्स जो है होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर राजस्थान 1500 एंड 1000 रुपये है। जो ओबीसी है राजस्थान ईडब्ल्यूएस 750 रुपये है, सीएसटी। और यहाँ पे जो है ये डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए भाई जो फीस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दे रखी है। जो यहाँ पे 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के लिए, यहाँ पे आपको जो है 2 सालों के अंदर जो है कम यहाँ पे 40,000 आपकी सैलरी फिक्स की गई है। चूंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का जो है नियम है कि आपको प्रोविजन पीरियड पर जो है 40,000 रुपये जो है यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, उसके बाद जो है आपको 57,700 का पे स्केल ऑफर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार को यहाँ पे 47,200 और जो है एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार जो है ये आपको यहाँ पर मिलने वाला है। फाइनल डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड स्कोर कार्ड आपका 20 मई 2022 आपका रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर केवल आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लेते हैं तो 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री, साथ ही साथ आपका नेट या आपका जो सीएसआईआर नेट है वो आपका होना चाहिए, और यूजीसी सीएसआईआर और एएसआरबी इन कंसर्न जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसमें होना चाहिए। फॉर द कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री नेट शैल रिमेन कंपल्सरी,
होना, ये अगर आपके पास केवल मास्टर डिग्री है तो नेट आपका जो है कंपलसरी होता है, ठीक है, अलोंग विद वन पब्लिकेशन इन NAAS नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस न्यू दिल्ली। पीएचडी डिग्री वालों के लिए नेट से एग्जेम्पशन दिया गया है, यानी कि नेट हो या फिर पीएचडी डिग्री हो तो आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एग्री इंजीनियरिंग के लिए बैचलर या मास्टर डिग्री, आपके पास बैचलर और मास्टर डिग्री जो है आपकी होनी चाहिए, ठीक है, और फर्स्ट क्लास या तो बैचलर लेवल पे या मास्टर लेवल पे। असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के लिए मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ, एंड साथ ही साथ जो है क्वालिफाइंग द नेशनल लेवल टेस्ट जो कि कंडक्ट किया जाता है UGC के द्वारा। फिजिकल, ये फिजिकल फिटनेस नॉर्म्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे जो है यहाँ पर कंडीशन दी गई। अल्टरनेट सब्जेक्ट एनिमल प्रोडक्शन के लिए ये सारे, तो यहाँ पे ये स्कोर कार्ड दिए गए किस प्रकार से आपका स्कोर कार्ड यहाँ पर बनने वाला है, डायरेक्ट सिलेक्शन आपका होने वाला है। सो यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से कैलकुलेट आपको यहाँ पे जो है किया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी उस पर जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक जरूर करें।